नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है 10 शहरों के 10 बड़ी खबरों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिया गया है, जहां इस कारण लंबी जाम लग गई है। 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जहां ट्रक, कार और आपको अन्य गाड़ियां देखने को मिल सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में भी आज रिकॉर्ड कोरोना के मामले सामने आए हैं। 635 नए केस आने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के 14,000 से अधिक मरीज हो गए हैं। जी हां, दिल्ली में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं और दिल्ली में भी सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अगली खबर बिहार के उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इस बार 10वीं की परीक्षा दी है। जी हां, 10वीं परीक्षा बोर्ड ने घोषणा किया है कि कल बिहार 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। नफीस अहमद लेखाकार नगर पंचायत बरखेरा एवं आरके चौबे ईओ नगर पंचायत बरखेरा की ओर से आप सभी को ईद मुबारक। महाराष्ट्र के पालघर के बाद नादेर की घटना से साधु समाज आहत है, जिसको लेकर आदि योग गौतम जी ने दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में नांदेड डिस्ट्रिक्ट में मेरे महात्मा, मेरे योगी सन्यासी शिव आचार्य को उनके आश्रम में घुस करके अपराधियों ने कत्ल कर दिया। अभी अभी एक चोट लगी थी 1.5 महीने पहले पालघर में, हमारे संत सन्यासी को पीट पीट कर मारा गया। उस चोट, उस आज से अभी हम निकले ही नहीं थे, आज ये दूसरा कृतुत्व हो गया महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र संतों की धरती, महात्माओं की धरती पे महात्माओं की हत्या हो रही है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दिल आहत है, दिल में इतना दर्द है कि पूछिए मत। ये महाराष्ट्र की धरती में बड़े बड़े संत हुए और आज संतों की हत्या हो रही है। ये अपराधी क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्या संकेत है ये? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सरकार से कि इन अपराधियों को खोज करके निकाले, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको बड़ी से बड़ी सजा दें। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, आज संत मर रहे हैं, कल क्या होगा? जिस जगह पे संतों की पूजा होती थी, उनकी पैरों का आशीर्वाद लेकर बड़े बड़े सब लोग कार्य करते थे, आज उन संतों की हत्या हो रही है। मैं आज छिन्न भिन्न हूँ, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले, कड़ी से कड़ी कदम उठाए सरकार। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती युवक की पिटाई कर दी गई, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने और उन्हें सूली पर टांगने की बात कही। गाली दिया? मैंने कोई गाली नहीं दिया। झूठा कसम मत खाइए, आर्मी से आ रहे हो चाहे जहाँ से भी आइए। आज भी मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ऊपर वाला भी देखेगा, अगर मैं ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत कैसी होती है आप लोगों की आने की? कल सीओ से घंटे भर बात की उसके पिताजी के सामने, इतना झूठ बोल रहा था वो कि मैं हाथ नहीं लगाया हूँ। कौन है सीओ सामने? ऐसे बेसार है जैसे कोई आतंकवादी है। ये रहने वाला लड़का है, भले गांव में पैदा हुआ होगा, चुप रहिए, मेरी बात सुनिए पहले आप। प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश दिया है। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी लोग बिहार लौटकर आए हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। नहीं तो ये जितने लोग आए हुए हैं ये ठीक है, सब लोगों का क्या अनुभव है उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए और किस प्रकार से इन लोगों को यहाँ काम में एकोमोडेट किया जा सकता है। ये हम लोगों की इच्छा है कि अकारण लोगों को बाहर न जाना पड़े, कष्ट नहीं झेलना पड़े, और यहाँ बहुत सारा काम है जो किया जा सकता है। तो कई राज्यों में, कई जिलों में बातचीत हो गई, देख लीजिए और सभी DM को हम लोग यही कह रहे हैं, और यह हम लोगों की इच्छा है कि मैक्सिमम लोगों का एकोमोडेशन हो जाए, अकारण किसी को जाना न पड़े, तो इससे उनको भी लाभ है। और दूसरी बात है कि स्टेट में भी थोड़ा बेहतर स्थिति होगी, यहाँ का भी उद्योग का, व्यापार का और एक्सपेंशन होगा और लोगों को काम मिलेगा,
तो इन लोगों को भी काम मिलेगा और हमारे बिहार के अन्य लोगों का भी एकोमोडेशन हो सकता है। तो इस पर सोचना चाहिए और उसी पर काम करिए, ही हम लोगों को कहना है। नगर पंचायत बरखेरा के चेयरमैन हज्जन इदरीस बेगम और चेयरमैन पति पूर्व चेयरमैन जमील अहमद की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक एवं आप सभी से अपील है कि आप कोरोना महामारी को देखते हुए अपने घरों में ही ईद मनाएं। गाय और लड़की का अनोखा प्रेम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो करोड़ों दिलों को छू रहा है। आप भी इस वीडियो देख कर दंग रह जाएंगे। ग्वालियर में आजकल पोस्टर लगाया जा रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढूंढकर लाने की बात कही जा रही है और ढूंढने वाले को 5100 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा भी की गई है। यह पोस्टर कांग्रेसी प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने ग्वालियर शहर में लगाए हैं। अभी हमने महल गेट से शुरुआत की है और पूरे चंबल संभाग में लगा रहे हैं। हमारे जो जनसेवक थे उनको घुटन हो रही थी कांग्रेस में, उन्हें जनसेवा करनी थी। आज 3 माह से जो अतिथि विद्वान शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है, जिनके लिए उन्होंने टीकमगढ़ में बोला था कि मैं रोड पे उतरूंगा इनके साथ में, मैं इनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। आज वो नदारद हैं, जो संक्रमित कोरोना फैल रहा है, जो अप्रवासी मजदूर भटक रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, 8 माह की बच्ची को गोद में लेके जा रहे हैं और कई मृत्यु हो रही है, तो आज हमारे जनसेवक कहाँ हैं? तो हम उनकी नींद खोलना चाहते हैं और 5100 का नगद इनाम देंगे जो उनको ढूंढ के लेकर आएगा और उनसे जनसेवा करवाएगा। कहाँ कहाँ लगा रहे हो आप? पूरे चंबल क्षेत्र में लगा रहे हैं। ये आप लोग खुद? जी, हम लोग खुद लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से सोशल मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसे एडिट कर लगाया गया है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने ऐतराज जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत की है। बहुत दुखद है ये कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो रात दिन लगातार देश को बचाने में लगे हुए हैं और उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली जा रही है ग्रुपों में, हम उसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को दिए हैं और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऊपर कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। अगर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं किसी ग्रुप में तो ग्रुप एडमिन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना ग्रुप संभाल के रखें, ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट ना डालें। जानकारी तो मिली है, उसमें एक वर्दी धारक हैं डबल स्टार, उनका प्रोफाइल दिख रहा है कि उन्होंने ये पोस्ट डाली। तो बिल्कुल उचित कार्रवाई चाहते हैं, कड़ी से कड़ी उनको सजा हो और उसमें कार्रवाई हो। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट ना डाले, ग्रुप एडमिन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये पोस्ट को डाला, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ने के बाद किसी तरीके से लाइक या कमेंट्स किया। साइकिल वाली बिटिया के नाम से फेमस हुई ज्योति को अब सहायता करने वालों की होर मच गई है। बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने ज्योति कुमारी से फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि ज्योति अपने घायल पिताजी को लेकर साइकिल से 1200 किलोमीटर दूरी तय की और दरभंगा पहुंची है। आपको लेकर साइकिल चला के आई है, इतना मेहनत पुरुष भी नहीं कर सकता है कि ढो के ले आया साइकिल से। पैदल भी बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, मोटर रास्ते से। आपका बेटी हिम्मत है, उसका हिम्मत से वो अपना आपको लेकर पहुंचाने के दरभंगा में काम किया। ये ज्योति की माँ जी है, प्रणाम। जो दिक्कत है ज्योति के भी है, हम लोग शादी ब्याह में पढ़ाई लिखाई में हम लोग मदद करेंगे। श्री लाल प्रसाद जी
तेजस्वी जी मदद हम लोग करेगा, आर जे डी का पार्टी है, पार्टी मदद करेगा हम लोग। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो 27 मई तक यह गर्मी ऐसे ही जारी रह सकती है। वहीं 29 और 30 मई को तेज धूल भरी हवा चलेगी और आंधी आ सकती है। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भाजपा का अभियान क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे के तहत खिचड़ीपुर इलाके में जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री वितरित किया। उत्तर प्रदेश के किसान फसलों पर दोहरी मार से परेशान है। जहां पहले ओलावृष्टि ने किसानों को परेशान किया, वहीं अब टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दिया है, जिससे किसान काफी परेशान हो गए हैं। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार।